वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर चंपावत उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से इससे क्षति और राहत और बचाव कार्यों के संबंध में समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने और हर संभव स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश होने के कारण कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। वहां के सभी अधिकारियों से मैंने बात की और वर्चुअल माध्यम से जानकारी भी ली है। सभी अधिकारियों से कहा गया है कि इस समय सभी लोगों की जान माल की सुरक्षा करना सबसे आवश्यक है। ये भारी बारिश हुई है कल रात और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण से टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज, ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। काफी पानी भर गया है, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने, दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है, अभी एक वर्चुअल माध्यम से सब जानकारी ली है, जिसमें कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी थे, सभी जिलों के जिला अधिकारी थे और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना और उसके लिए NDRF, SDRF और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए कहा है कि किसी तरह से लोगों को वहां पर जो है अभी सुरक्षित स्थानों पर जो लोग फंस गए उनको पहुंचा